समाज साहित्य का करे अनुकरण, साहित्य समाज का है दर्पण। साहित्य के महत्व को बढ़ाने के लिए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय नोवा ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2023 कार्यक्रम के दूसरे दिन के पहले सत्र में साहित्य व्यक्तिगत और सामूहिक पहचान को आकार देने में कैसे योगदान देता है, इस विषय पर बातचीत के लिए सेमिनार को शानदार तरीके से आयोजित किया गया। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसमें डॉक्टर संदीप मारवा, इमाइल अल्फ्रेडो कल्डेरा, आर्यन सिंह, पी के राजपूत, डॉक्टर रमा सिंह, रघुवीर शर्मा, डॉक्टर रुचि चावला बत्रा, सुशील भारती मौजूद रहे। कार्यक्रम में पुष्पगुच्छ भेंट कर अतिथिगण का स्वागत किया गया। फूड फेस्टिवल से कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें रवांडा और वेनेजुएला के प्रसिद्ध क्यूजन का प्रदर्शन हुआ और अतिथिगण द्वारा इसका जायका लिया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, लेखन सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। हर किसी की अपनी कहानी होती है और लिखना शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका अपनी कहानी लिखना शुरू करना चाहिए। आप शायद एक किताब लिख रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप अगली पीढ़ी के लिए इतिहास भी लिख रहे हैं। बता दें कि कार्यक्रम में दीनदयाल उपाध्याय फोरम अतिथिगण द्वारा पोस्टर लॉन्च किया गया। साथ ही डॉक्टर रुचि चावला बत्रा द्वारा लिखी किताब द टाइमलेस विजडम ऑफ फ्लोजी रेकी का पुस्तक विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण ने भी कहा कि साहित्य पर अपने विचारों को व्यक्त किया स्टूडेंट मोटिवेट किया। मौजूदा अतिथिगण ने डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा किए गए कामों की खूब प्रशंसा की। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सुशील भारती द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण और स्टूडेंट्स का आभार व्यक्त किया गया। शुरुआत करते हैं, अगर हम मध्यकाल के भक्त कवियों से ही करें, कबीर को ले लें। कबीर ने जाति पात से विभाजित समाज के बीच में अपना संदेश दिया। छोटी सी 2 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ। जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो ये जो 2 पंक्तियों में ही आप देखें कि समाज को विभाजित करने वाली जो जातीय मानसिकता है, उस पर कैसा प्रहार किया गया है, ये तो एक बात हुई। धार्मिक रूढ़ियों को लेकर के साहित्य में अगर हम बात करें, कबीर से ही हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि कबीर एक ऐसे साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने लगातार प्रहार किया है रूढ़ियों पर। उन्होंने कहा कि पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते चाकी भली पीस खाए संसार। कितनी सरल पंक्तियों में बात अपनी कह दी कि अगर पत्थर पूजने से ईश्वर मिलता है तो पहाड़ पूजता हूँ, और उससे तो चक्की ये भली है जिसमें जिसको हम जिससे पीसते हैं अनाज और खाते हैं। ऐसा है, इसी प्रकार मान लीजिए कबीर का ही हम उदाहरण लेते हैं। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, और ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। अब आप देखें तो ये जो धार्मिक रूढ़ियां समाज में घर कर जाती है, उनको तोड़ने के लिए, जातीय वैमनस्य जो फैल जाता है उसको दूर करने के लिए कवियों, साहित्यकारों, संतों, विचारकों की वाणी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। The Global Literary Festival Noida 9th edition was well prepared, as I mentioned earlier before and during my speech. I congratulated ICMEI and all the partners for this literary festival to have organized such a wonderful and perfect event and exhibition. And we have also expressed our ideas and feelings when it comes to literature, the importance and the role of literature, especially when it comes to students, especially students like you who are in such a school of art, creative arts. It's very much important. It has a paramount importance in the students'
environment and academic progress. How you connect literature with you? As I said, literature is part of human life. We read, we write the feelings from inner side of ourselves. Literature connects people. Literature, we evoke our emotions and our ideas. Literature offers this opportunity to the students to develop their language skills, to develop the vocabulary, and to connect much more with the world, because, you know, literature also reflects the universality aspect of the world, of people, of humankind. Because, as I said, what we feel when we are in some parts of Africa and we express it through literature is what an Indian writer will express through any text, any write-up, any book he or she wants to put in writing. ये भारतीय साहित्य के लिए एक अद्भुत कार्यक्रम हुआ, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ जो साहित्य की विधा है, संस्कृति की विधा है, भारतीय परंपरा में साहित्य का एक अलग स्थान है और हम सदियों से सुनते आ रहे हैं साहित्य समाज का दर्पण है। तो सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक जो भी क्रांति हुई है, मैं ऐसा समझता हूँ कि भारत में आज साहित्यिक क्रांति की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि साहित्य की क्रांति होना आवश्यक है, क्योंकि जब हम साहित्य से जुड़ते हैं तो समाज से जुड़ते हैं और देश से जुड़ते हैं, विकास से जुड़ते हैं। विकास की अपनी एक अलग प्रक्रिया है, साहित्य समाज और संस्कृति का एक अलग समन्वय तीनों में, अन्योन्याश्रय संबंध। बिना समाज के संस्कृति नहीं चलती, संस्कृति के बिना साहित्य नहीं हो सकता। तो साहित्य जो है एक अलग विधा है और आज का जो एक कार्यक्रम हुआ है अपने आप में एक ऐतिहासिक और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। लोगों को जोड़ने का एक कार्यक्रम है, युवाओं को प्रेरित करने का कार्यक्रम है, क्योंकि आज सबसे बड़ी कमी आज भौतिकवाद जो देश में चल रहा है, आज की युवा दिशाहीन विहीन है, उसमें उनको दिशा देने की आवश्यकता है। यह दिशा हमें साहित्य से ही मिल सकता है, बिना साहित्य के हम दिशाहीन हो जाएंगे। तो आज का जो लोग युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं, वो दिग्भ्रमित नहीं होंगे, उनको एक रास्ता मिलेगा, उस रास्ता से चलकर हम विकास की गति को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ सबका विश्वास, तो आज उसी पर मैं यह भी मानता हूँ, बिना भारतीय संस्कृति, बिना भारतीय साहित्य, और साहित्य का तो एक अलग विराट, यही नहीं पूरे विश्व में साहित्य की जो विधा है वो अपने आप में सरता अनूठा है। इसलिए आज साहित्य की विधा से जुड़कर सभी लोगों को आगे आना चाहिए और आज का जो कार्यक्रम हुआ ऐतिहासिक मील का पत्थर है। मैं ये चौथा कार्यक्रम आज यहाँ अटेंड किया हूँ और मुझे खुशी है कि मारवा स्टूडियो में एक से एक कार्यक्रम होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये युवाओं को एक बदलने का अवसर देता है, युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर देता है, लोगों को एक जुड़ने की जो कला आज देश में जीवित है उसको जोड़ने का समय। लगता है कि आज के समय में लोगों के जीवन में साहित्य किस तरह से समाज में प्रभाव डालता है? देखिए, साहित्य का प्रभाव तो पड़ता है, आप साहित्य से जुड़े हुए हैं तो, क्योंकि मुझे ये पता है कि जब मैं 13 वर्ष की थी और हाई स्कूल कर रही थी, उसके पहले मैंने पूरा प्रेमचंद साहित्य पढ़ लिया, अमरदास नागर को पढ़ लिया, गुरुदत्त को पढ़ लिया, क्योंकि जब आप अच्छा साहित्य पढ़ते हैं तो अच्छे विचार बनते हैं, अच्छी सोच बनती है। आपको और कोई नहीं मिलेगा, आपको दोस्त लोग आपको इधर भटकाएंगे, पिक्चर चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, घूमने चलते हैं, वो भी ज़रूरी है, परंतु वहाँ से लौट के जब साहित्य में आते हैं तो साहित्य आपको बहुत कुछ सोचने का मादा देता है। आज का समय है जब आप गूगल में घूम रहे हैं तो गूगल में सारी चीज़ें नहीं मिला करती, आपको उसकी डेप्थ में, गहराई में जाने के लिए साहित्य तो पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा साहित्य पढ़िए, जो पुराने लोगों का साहित्य वो पढ़िए, फिर आज जो लोग लिख रहे हैं उनको पढ़िए, क्योंकि अब मल्टीनेशनल कंपनी आ गई है, उनमें लोग काम कर रहे हैं, तो आज का साहित्यकार उन पर लिख रहा है। पर पहले अगर आप प्रेमचंद को पढ़ेंगे तो प्रेमचंद ने पूरे ग्रामीण साहित्य को लेकर लिखा,
पूरे समाज को लेकर लिखा, चतुर्सेन शास्त्री ने पूरे समाज को लेकर लिखा, अमृतलाल नागर ने पूरे इतिहास को लेकर लिखा, या वृंदावन लाल वर्मा ने पूरे इतिहास को लेकर लिखा। पर आज इतिहास हमारा पीछे जा रहा है, हमें इतिहास को भी आगे लाना है और उसमें साहित्य का मिश्रण करके आगे बढ़ना है। जो नए लेखक हैं उनसे मैं यही चाहती हूँ, जो बच्चे हैं उनको मैं चाहती हूँ नए लेखकों को पढ़ें, और नया लेखक आज के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए वो विचार देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप लिख के छोड़ दें वो नहीं होना चाहिए। आपको ये देश प्रेमचंद ने ये कहा ये नहीं होना चाहिए तो ये भी कहा कि ये होना चाहिए, है ना। तो यथार्थ और आदर्श दोनों सामने रखा, जो यथार्थ है सत्य है जीवन का उसको सामने रखा और साथ में आदर्श भी सामने रखा कि ये होना चाहिए। तो आज जो उपन्यासकार लिख रहे हैं उनसे ये निवेदन है कि वो यथार्थ भी लिखे और आदर्श भी बताएं। सबसे पहले तो हार्दिक शुक्रिया करना चाहूंगी संदीप मारवा जी का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे यहाँ ग्लोबल लिटरेचर फेस्टिवल में आमंत्रित किया और अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी फर्स्ट बुक का लॉन्च इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कर सकूं। यहाँ बहुत देशों के डिग्नेटरीज प्रेजेंट हैं और बहुत पढ़े लिखे एजुकेटर्स, डिफरेंट फील्ड से प्रोफेशनल सभी प्रेजेंट हैं, बहुत अच्छा माहौल है एंड देयर इज अ वाइटल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू एनकरेज एवरीबॉडी टू हियर एवरीबॉडी आउट पेशेंटली। फूड फेस्टिवल का भी इनॉग्रेशन हुआ है जहाँ बहुत बच्चों ने दिल से एक नई कंट्री के फूड के साथ एक्सपेरिमेंट किया और हम सबको टेस्ट कराया। मैं यहाँ मौजूद सभी दर्शकों को सभी बच्चों को यही कहूँगी कि स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और जो भी करिए बहुत पैशन के साथ करिए। थैंक यू में होता है और जिसका इतिहास का जो अध्ययन करता है उसका फ्यूचर हमेशा अच्छा रहता है। कारण मैं हमेशा ये मानता हूँ, बिकॉज मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। तो जिसको इतिहास के बारे में नॉलेज होती है वो फ्यूचर में कम मिस्टेक्स करता है, और साहित्य जो होता है उसको बहुत खूबसूरती से उसी इतिहास को जो बोरिंग तरीके से न्यूज़पेपर्स बताते हैं उसी को खूबसूरत तरीके से उसका वर्णन जो है वो साहित्य करता है, और साहित्य हमेशा जीवंत रहता है। तो यहाँ पे आके बहुत जीवंत फील हुआ, अच्छा लगा। संदीप मारवा जी को मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा और सारे स्टूडेंट्स को मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा। मतलब इट्स रियली दे आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी इन सच ए प्लेस ओवर हियर, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हमने 9वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2023 के दूसरे दिन का पहला कार्यक्रम बड़े भव्य तरीके से खोला है, और आज भी हमारे पास यहाँ पर रवांडा से, वेनेजुएला से और दूसरे देशों से बहुत सारे राजदूत यहाँ पहुँचे हैं। कार्यक्रम का सब्जेक्ट भी बहुत ज़बरदस्त था कि माहौल जो है, लिटरेचर जो है, वो एक आदमी की ज़िंदगी के ऊपर कैसे प्रभाव डालता है। मंच पर सुशोभित सभी महानुभवियों ने बड़े खूबसूरत तरीके से अपने अपने विचार रखे। उसके बाद हमने अभी AFT स्कूल ऑफ स्टिल फोटोग्राफी की स्टिल फोटोग्राफी की जो एग्जीबिशन है उसका इनॉग्रेशन किया। ये सभी चित्र वो हैं जिन्हें देश भर या दुनिया भर के किसी ना किसी कंपटीशन में सम्मानित किया गया है, और कल की तरह आज भी बहुत अच्छी रौनक लगी हुई है और बहुत जोश है, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मुझे खुद ब खुद मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव जो है वो हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से पड़ेगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि शाम तक इस पूरे माहौल को संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना एंथुसियाज्म, इतनी एक्साइटमेंट और इतना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। जो सुनेंगे वही आप करेंगे, ये बड़ी पुरानी थ्योरी है, और इसीलिए अच्छे लोग आकर जब अच्छी बातें यहाँ कर रहे हैं तो मुझे ये यकीन है कि जो आज भी 5000 सुनने वाले लोग हैं विभिन्न कार्यक्रमों के अंदर, वो यहाँ से एक बहुत खूबसूरत सामाजिक जो मैसेज लेके जाएंगे उससे हमारे देश में एक फिर से नई रोशनी जगेगी।